मुस्लिम विरोधी छवि रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेशी दौरे से सबको चौंका दिया है। जी हां, अपने विदेशी दौरे में ट्रंप सबसे पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद की यात्रा करने जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप की इस घोषणा से विश्व के तमाम इस्लामिक देश हैरान हैं। चुनाव लड़ने से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बनने तक ट्रंप हमेशा से मुस्लिम विरोधी भाषण देते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में 7 मुस्लिम बहुल देशों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले का दुनिया भर में जमकर विरोध हुआ था। आखिरकार इस मामले में अदालतों के हस्तक्षेप के बाद ट्रंप को झुकना पड़ा और मुस्लिम समुदाय ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब जो बयान व्हाइट हाउस से जारी किया गया है उससे हर कोई दंग है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के सऊदी अरब की राजधानी रियाद दौरे की घोषणा की है, जहां ट्रंप न सिर्फ दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों के नेताओं को संबोधित करेंगे बल्कि रियाद में इस्लाम पर शांति प्रिय भाषण देंगे। इसके बाद ट्रंप सऊदी अरब से इसराइल और फिर वेटिकन सिटी के लिए रवाना होंगे। तो रेड कारपेट बिछाए सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब की यात्रा से ट्रंप अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को बदलना चाहते हैं।